जय हिंद दोस्तों, मैं उमरकांत चौधरी और आप देख रहे हैं ऑनलाइन भास्कर। गुरुग्राम पुलिस ने 6 ऐसे साइबर ठगों को दबोचा गया है जिन्होंने पूरे देश में करीब 10.36 करोड़ रुपए की साइबर ठगी की है। उनके खिलाफ कुल 2,857 शिकायतें देश के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। पुलिस प्रवक्ता सुभाष बोकन ने मंगलवार को बताया कि आरोपियों में 2 महिलाएं, 1 नाबालिग व 3 अन्य व्यक्ति शामिल हैं। पुलिस उपायुक्त दक्षिण सिद्धांत जैन व सहायक पुलिस आयुक्त साइबर विपिन अहलावत के नेतृत्व में थाना साइबर पश्चिम की पुलिस टीम ने विभिन्न ठगी की वारदातों को अंजाम देने वाली 2 महिलाओं व 1 नाबालिग सहित कुल 6 आरोपियों को काबू किया, जिनकी पहचान कुमारी उपासना, पूजा शर्मा, मनीष, सोनू शर्मा व अकीब के रूप में की गयी। गुरुग्राम पुलिस द्वारा आरोपियों से बरामद किए गए मोबाइल फोन्स व सिम कार्ड्स का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेट सेंटर से डाटा अवलोकन कराया गया। इस दौरान खुलासा हुआ कि सभी आरोपियों पर पूरे भारतवर्ष में लगभग 10 करोड़ 36 लाख रुपए की ठगी के संबंध में 2,857 शिकायतें दर्ज हैं, जिनके संबंध में 154 केस दर्ज किए गए हैं। इनमें 9 केस हरियाणा में दर्ज हैं। सभी आरोपी इंस्टाग्राम फेक आईडी बनाकर आईफोन बेचने के नाम पर बारकोड भेजना, नौकरी दिलाने का झांसा देकर व टेलीग्राम पर यूट्यूब वीडियो लाइक कराने के नाम पर रुपए इन्वेस्ट करवाकर ठगी की वारदात को अंजाम देने में सक्रिय थे। पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के कब्जा से ठगी की वारदातों में प्रयोग किए गए 8 मोबाइल फोन्स व 11 सिम कार्ड्स बरामद किए गए थे। 10 करोड़ के फ्रॉड का खुलासा हुआ है, क्या है पूरा मामला? देखिए, गुरुग्राम साइबर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो 6 साइबर अपराधी पकड़े थे, इसमें FIR साइबर वेस्ट थाने में और साइबर मानेसर थाने में दर्ज है। इनके कॉल डिटेल्स को, IMEI को, आदि इन्फॉर्मेशन को I4C डेटाबेस में सर्च किया और इनकी इन्फॉर्मेशन लगभग 2,857 अन्य कंप्लेंट में संलिप्त पाई गई, जिसमें कुल जो डिफ्रॉडेड अमाउंट है वो 10 करोड़ 36 लाख के आसपास पाया गया है। तो ये मैं माननीय पुलिस आयुक्त गुरुग्राम के नेतृत्व में एक बड़ी कामयाबी मानता हूँ और इस संबंध में जिस भी जिले में, जिस भी राज्य में इन व्यक्तियों से संबंधित जो भी कंप्लेंट है, हम उनसे, उनके जो पुलिस अधीक्षक हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे लिखित पत्राचार भी करेंगे कि वे अपनी कंप्लेंट इत्यादि में इन आरोपियों को शामिल जांच कर सकें और जो एक ऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम का जो नेक्सस है उसको तोड़ने में बहुत मदद प्राप्त होगी। इनसे क्या कोई अमाउंट भी रिकवर हुआ है? देखिए, यहाँ पर जो साइबर वेस्ट और साइबर मानेसर थाना है, जो उसमें FIR दर्ज थी, उसमें जो भी इनसे, चाहे मोबाइल हो, चाहे जो भी डिफ्रॉडेड अमाउंट हो, वो नियम अनुसार इन्वेस्टिगेशन में रिकवर करा गया है। ये आरोपी हैं, ये सिर्फ गुड़गांव में इनके खिलाफ कितने केस दर्ज होंगे? देखिए, वो तो डिटेल अपन, डिटेल जो भी इनके खिलाफ इंडिविजुअल स्टेट्स में दर्ज है वो अपन देख सकते हैं, बट ऑल ओवर इंडिया जो है वो 2,857 कंप्लेंट्स इनके विरुद्ध दर्ज है, जिसमें कुछ गुड़गांव में भी होंगी, हरियाणा में और जिलों में भी होंगी और बाकी और स्टेट्स में ऑल ओवर इंडिया होंगी। क्या ये लिंक भेज के इस तरह से फ्रॉड करते थे, कोई और इनका मॉडल? देखिए, कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है कि हर कोई एक ही तरह से फ्रॉड करता हो। कई जगह जो टास्क बेस्ड फ्रॉड जिसे कहते हैं वो भी होते हैं, कई सोशल मीडिया के जो फ्रॉड होता है कि फेक इंस्टाग्राम आईडी बना लिया, या कई बार ऐसे कहते हैं कि भाई किसी के नाम पे कोई पार्सल कहीं आ रखा होता है और उसमें बताते हैं कि भाई उसमें कोई इलीगल सब्सटेंस है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो कोई एक ही तरीका नहीं है फ्रॉड के, बट कुछ 2-3 मुख्य तरीके आपको मैंने बताए। तो हर एक केस में अलग अलग तरीके जो साइबर अपराधी हैं वो अपनाते हैं। मुख्य बात यह है कि भाई अगर ऑल ओवर इंडिया की अपन जो कंप्लेंट्स और FIR अगर अपन उजागर कर देते हैं तो बाकी जिलों के अधिकारियों को भी पता लगता है और वो उसे अपने मुकदमों में शामिल जांच कर सकते हैं और जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जो रैकेट है वो टूट सकता है। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं, इन महिलाओं की किस तरह की भूमिका है? देखिए, अपराधी चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसको आप उसे डिफ्रेंशिएट करना ठीक नहीं रहेगा। उनको बिल्कुल समान तौर पर ट्रीट किया जाता है। उनसे जो भी रिकवरी होती है, उनके जो भी CDR है, IMEI है, मोबाइल नंबर है, समान तौर पर चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनसे जो भी रिकवर किया जाता है उस I-40C डेटाबेस में चेक किया जाता है और उनसे जो भी और लिंक क्राइम या कंप्लेंट पाई जाती है उसे मीडिया से समय समय पर साझा किया जाता है। भैया, अगर आप लोगों को खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और धन्यवाद साथियों।